पंजाब दे विच 80 लाख तो वध वोट किसानों की है, 59 लाख वोट नाल सरकार बन गई। तो तुहाडे कोल कुंजी तो है, तुसीं लांदे ही नहीं। अद्धे तलवे चटदे ने जाके कांग्रेस दे, अद्धे तलवे चटदे ने जाके अकाली दल दे, अद्धे तलवे चटदे ने आम आदमी पार्टी दे। चट्टी जाओ फिर भरा, इस तरह ही रखे जी अगे भी। मेरे तो लखवा लियो, लखवा लियो ता उमर, ता उमर। जे तुहाडे च कोई सुधार हो जाए तो मेरा कन्न फड़ लिया, ता उमर सुधार हो जाए। तो नहीं हो सकता फिर बनाया जे कांग्रेस नू, फिर बनाया जे बादल नू, फिर बनाया जे आप नू, फिर गाला कढ़ी जाए जे 5 साल बनाओ। आ गया इलेक्शन 2022 च, भाई किसी नू तो बनाओगे, फिर बनाओगे, फिर लड़ोगे, फिर तुहानू कुट्टणगे। भाई जे लाज तुहाडे कोल है, जदों कुंजी तुहाडे कोल है, तुसीं उह कुंजी लांदे क्यों नहीं? मैनू समझ नहीं आ रही गल दी। अज हथियारों के बलते नहीं सानू लुट रहे, कानून बना के लुट रहे ने। वो कानून किन्हें बनाए? साडे नीतिकारां ने, साडे नेता ने। वो नेता किन्हें बनाए? वो तुसीं बनाए। भुख नाल ते ना मरनगे, धरनिया ते बैठे ते ना मरनगे। सरकार गोलियां ही नाल, गोलियां नाल ही मार लेगी जिन्हें मारेगी। इक वारी वो अपना शौक पूरा कर लेंगे। आपां किसी ते हथ नहीं चकना, आपां कोई डंडा सुट्टी नहीं होना। वो मारदे ने मारो। लड़ाई ते अंदोलन दे विच अंतर है। लड़ाई वो हुंदी है भी जे अगला कृपान कढ़दा है ते आप भी कृपान कढ़ो। जिवें कहिंदे ने भी सीधी उंगली नाल की नहीं निकलता, थोड़ी जी टेढ़ी करनी पएगी। सराफत नाल इहनां नहीं मनना। जे साल ते भी सरकार ना मन्ने तो फिर आपां नूं थोड़ा जिहा कैड़े हो जाना चाहिए। आपां नूं मोदी का घर दा जाके उत्थे टेंट गड़ देने चाहिए। पहला तो 2-3 बेनतियां यह करनी चाहांगा कि यह अंदोलन कल्ले पंजाब का नहीं है। असी आप ही पंजाब का ना बनाई जाइए, सरकार तो कहती है पंजाब का। यह अंदोलन सारे देश का है। आपां सारे देश वास्ते लड़ रहे हाँ। जिहड़ा भी जी रोटी खांदा है, कल्ले किसानां दा नहीं है, जिहड़ा भी जी रोटी खांदा है, भावें वह हिंदू है, भावें वह मुसलमान है, भावें वह तमिलनाडु दा है, भावें वह केरला दा है, भावें वह शहर दा, भावें वह पिंड दा है, यह अंदोलन उन्हां सारयां दा है। यह अंदोलन खाली जट्टां दा नहीं है। कई साडे भरावां ने गाने लिखे जट्टां दे नाते भी जट्टां दा अंदोलन है, नहीं। यह 36 बरादरी का जिन्हों आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मानवता का अंदोलन है। जिहड़ा अज पूरा जिहड़ा भोजन है, रोटी है, उहदा बिजनेस, उहदा व्यापार, जिन्हां नूं गुरु नानक देव जी ने कहा सी वंड छको, पर इस सरकार ने उहदा व्यापार बनाता भी एग्रो बिजनेस, जिहड़ा खेती का जिहड़ा व्यापार है वह कंपनियां करनगियां, वड्डे घराने करनगे, छोटे नहीं कर सकते। तुहाडा खेती का सारा कारोबार जिहड़ा 15 लाख करोड़ का है वह कंपनियां करनगियां। उदों अगला पड़ा जिहड़ा इहदा ठेका प्रथा कह लो, वह पहली पौड़ी है। उस तो बाद होर नवीआं पौड़ियां आणियां ने। पूरे देश की जिहड़ी खेती है, क्योंकि तुहाडा मुकाबला अमरीका दे नाल है, तुहाडे कोल 5 किले जमीन है, अमरीका दे किसान दे कोल 20,000 किले जमीन है। तुहाडा मुकाबला उहनां दे नाल कराणा है, ते 5 किले वाला 20,000 किले वाले दे नाल मुकाबला नहीं कर सकता। इस करके इत्थे भी 10,000 किले का, 5,000 किले का प्लाट बना के कंपनियां खेती करनगियां। इत्थे लेबर नाल खेती हुंदी है, उत्थे मशीन नाल खेती हुंदी है। वड्डे प्लाट कई कई 1,000 एकड़ दे बना के मशीन नाल खेती होएगी। ते जिन्ना खेती दा कारोबार है वह सारा कंपनियां दे हवाले करना। जिन्ना बाजार दा कारोबार है,
जेडे शहर वाले वीर ने साडे तो भी पहला गए। 2024 तक ऑनलाइन बिजनेस 4 गुणा वधेगा, सारे बाजार ठप, चंद कंपनिया दे कोल सारा बिजनेस जाएगा। इथों तक कि हस्पतालां दे विच डॉक्टरी लैन दे विच इहदे च कंपनियां एंटर कर गईयां, जिन्हें वड्डे हस्पताल ने कंपनियां ने खोल ले। जे एक रात भी तुसी हस्पताल लाओगे तो लाख रुपये का खर्चा आ जाएगा, उत्थे भी कंपनियां ने कब्जा कर लिया। सारे देश दे कारोबार कंपनियां ने हड़प ले। एक कारोबार देश दे विच होर चलदा सी जिहदे च पंजाब रौला ज्यादा पाउंदा सी, बाकी पूरे देश च कारोबार उह नशे दा कारोबार, नशे दा कारोबार हुण उह भी कंपनियां करनगियां। पंजाब दा 50 किलोमीटर एरिया उन्हां सेंटर दे हवाले करता, ये एक तीर नाल दो शिकार करनगे। एक कोई किलो समैक ले आउंदा है, कोई 5 किलो ले आउंदा है, आ परचून च बेचदे ने। ये बड़ा मुनाफे का कारोबार है, पर हुण इहनू अडाणी करेगा। 30,000 करोड़ का कट्ठा ही माल आ गया, 30,000 करोड़ का, ते पूरे देश च वंडेगा, किसी ते कोई मुकदमा नहीं, अडाणी सेफ, कोई मुकदमा नहीं। ये कारोबार भी अगे वास्ते कंपनियां करनगियां, ये कारोबार भी अडाणी वर्गे करनगे। क्यों? जे जिहड़ा इत्थे किलो ले आउंदा है वह सारा बंद करना है, अद्धी किलो कोई 5 किलो ले आउंदा है वह सारा बंद करना है। दूजा फायदा, दूजा शिकार यह होएगा कि जिहड़ा बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जिहड़ा सेंटर सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसदे घर की तलाशी लैणगे ते कहणगे इहदे कोल समैक मिली है, 10 ग्राम समैक मिली है, पा के चल अंदर। या तो सरकार दे नाल रहेगा ते या फिर जेल दा दरवाजा उहदे वास्ते खुलेगा, ये ब्लैकमेलिंग करेगी सेंटर सरकार। ते देश जिहड़ा है वह गुलाम होने च कोई बहुती लंबी चौड़ी कसर नहीं है, गुलाम हो चलिया। सोचना तुसी ये है, अमरीका दे विच ते तुहाडे देश दे विच फर्क है। अमरीका वाली पॉलिसी इत्थे लागू कर रहे ने, अमरीका दे विच बंदे दे जूंदे रहण दी सारी जिम्मेवारी सरकार दी है। जे उहनूं पढ़ाउणा है ते सरकार दी जिम्मेवारी है, तुहाडा खर्चा नहीं है। जे वह कम नहीं कर सकदा या उहनूं कम मिलिया नहीं ते सरकार पैसा देगी। जे बीमार हो गया ते टेलीफोन करना है, सरकार इलाज कराएगी। उन्हें अगली पीढ़ी का भी फिक्र नहीं है, क्योंकि अगली पीढ़ी की जिम्मेवार भी सरकार है। पर हिंदुस्तान च इस तो उल्टा है। जे तुहानू 20 लाख रुपये का इलाज कराना पै जे, कोई बड़ी बीमारी पल्ले पै जे, तो किसी को लाने वास्ते पैसा ही नहीं, तुहाडी अगली पीढ़ी की जिम्मेवार भी तुसी होई हो, क्योंकि सरकार ने तुहानू रोजगार नहीं देना, सरकार ने उहदी कोई जिम्मेवारी नहीं उठनी। इस करके तुहाडा जिहड़ा ये अंदोलन है ये अपने वास्ते भी है ते ये आने वाली पीढ़ी दे वास्ते भी है। तुहाडा जिहड़ा रोजगार है जिहदे ते 60% लोग देश दे जिंदगी चला रहे ने, खेती का कारोबार, खेती दे जुड़े मजदूर, खेत दे मालक, खेती दे जुड़े नाल दुकानदार, खाद बीज दवाई वाले, आड़ती, छोटे बिजनेसमैन, ये सारे खेती दे नाल जुड़े ने। ये सारा कारोबार तुहाडे तो खो के कारपोरेट ले जा रहे हैं। ब्रॉलर दे विच 2004 दे विच कंपनी आई है, अज ब्रॉलर का 95% कारोबार कंपनियां कोल चला गया। इस तरह खेती का कारोबार जो कंपनियां दे कोल टुर गया ते तुसी बेरोजगार हो गए, फिर तुसी सरकार की भीख ते जूंदे रहोगे। पहला भुख दिंदे ने,
फिर भीख देंदे ने, उन्हां दी भीख ते जिउंदे रहोगे। दो दो हजार देते आपने, दो दो हजार ते वोट पाती, साल च 6000 मिल जाएंगे आपां उसे ते वोट पा देंगे, चलो 6 ते मिले। साथियों ये जड़ी लड़ाई है ये लड़ना अपनी मजबूरी है, जे आपां अपनियां आउण वालियां नस्लां बचाना चाहते हैं ते जे आपां अपने कारोबार नूं बचाना चाहते हैं ते कुर्बानियां भी होणगियां। टक्कर सरकार नाल है, बदकिस्मती है साडे देश की कि इत्थे जिहड़ी सरकार है वह सेवादार नहीं हुंदी। सरकार दा मतलब हुंदा है जनता की सेवक, इत्थे सरकार जनता की बॉस है। उत्तर प्रदेश दे विच जिन्हां दी याद दे विच अज तुसीं बैठे हो, उन्हां दा कसूर सिर्फ इन्ना है कि उन्हां सरकार दे अगे अपना प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए ते उन्हां नूं सरकार दे मंत्री दे बेटे ने मंत्री दे इशारे ते कुचल दिता, गड्डियां चढ़ा के मार दिता। अज तक कोई मंत्री गिरफ्तार नहीं होया। जिहड़ा इस पूरे केस का हीरो, जिहड़ा पूरा कांड कराने वाला, जिहड़ा स्टेज ते खड़ के बोल रहा है कि मैं MP ही नहीं, MP तो पहला भी बहुत कुछ सी, कहने का मतलब सी MP तो पहला मैं कई कतल करते सी ते मेरा कुछ नहीं बिगड़िया, इन्हां दी जमीना जड़े पटे ते ले ने इन्हां तो खोहांगे, इन्हां दे मकान करवावांगे। मेरा इतिहास चक के देख लो, आपां किसी दा आधार नहीं रखते। ये सारा कुछ कह के उस तो बाद वो कतल करांदा है ते अज तक गद्दी दे बैठा होया है ते अज तक उहदी गिरफ्तारी नहीं हुई। असीं इस पंचायत दे माध्यम तो सरकार तो मंग करते हैं भी उस मंत्री नूं छेती गिरफ्तार कर लो, नहीं तो आपां उहदे वास्ते भी कोई ना कोई सख्त कदम चकना पवेगा। साथियों ये अंदोलन लड़दिया 10.5 महीने सड़कां ते बैठिया नूं हो गए, उस तो पहला पंजाब दे विच अंदोलन चलता रहा, हरियाणा दे विच अंदोलन चलता रहा। 10 सितंबर नूं हरियाणा च बुरी तरह नाल ठी चार्ज होया सी, बड़े लोगों के सिर पाटे सी। उस तो बाद अंदोलन थोड़ा होर गर्म हो गया सी। 26 नवंबर तो आपां बैठे हुए हाँ, 700 किसानों के करीब शहीद हो चुके ने पर कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। तो ये सरकार मैनू लगता है बई जिवें कहिंदे ने भी सीधी उंगली नाल की नहीं निकलता, थोड़ी जी टेढ़ी करनी पएगी। सराफत नाल इहनां नहीं मनना। आपां अपने मोर्चे च गल रखांगे, किसान मजदूर फैडरेशन जिहदे च फूल साहब शामिल ने, असीं फैसला लिया भी है सी भी असीं मोर्चे दे अगे अपनी बेनती रखांगे बई 1 साल बैठे नूं जदों हो जाए, जे साल ते भी सरकार ना मन्ने ते फिर आपां नूं थोड़ा जिहा कैड़े हो जाणा चाहीदा है। आपां नूं मोदी दा घर दा जाके उत्थे टेंट गड़ देने चाहीदे। कुर्बानियां ते देनियां पैणियां, जे भुख नाल ते ना मरनगे, धरनियां ते बैठे ते ना मरनगे। सरकार गोलियां नाल ही मार लेगी, जिन्ने मारेगी इक वारी वो अपना शौक पूरा कर लेंगे। आपां किसे ते हथ नहीं चकना, आपां कोई डंडा सुट्टी नहीं होना, वो मारदे ने मारो। लड़ाई ते अंदोलन दे विच अंतर है। लड़ाई वो हुंदी है भी जे अगला कृपान कढ़दा ते आप भी कृपान कढ़ो, वो लड़ाई हुंदी है। अंदोलन वो है भई सरकार हथ चकदी है, बेशक चके पर असी हथ नहीं चकना। जे असी हथ चकांगे अंदोलन साडे खिलाफ चला जाएगा, जे सरकार हथ चकेगी तो सरकार दे खिलाफ चला जाएगा। इस करके असी सारे अंदोलनों के विच इन्ना कु ते परहेज रखना है
ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ 10.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 10.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਫ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਤੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਇਆ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਬਣਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 'ਚ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਲੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਬਈ ਜਦ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕੁਚਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 3.5 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 59 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਚੱਟੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਭਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਖਵਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2022 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਓਗੇ? ਕਰ ਦਿਓ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ,
13% वोट पए सी तुहाडी गल मन्नी सी साडे नेता दी गल मन्नी सी लोकां ने 13% वोट पए सी पूरे पंजाब दे विच 13% वोट वालिया ने आके 25,000 मुंडे मारे सी गोलियां नाल 25,000 मुंडे मारे सी गोलियां नाल 13% वोट लेके करो बहिष्कारो करके देख लो तुहाडे कोल कोई इलाज नहीं है तुहाडी वोट है तुसी अपने विचों जे अज फूल साहब जे अज फूल साहब मुख्यमंत्री हुंदे जे की फिर ये कानून बनदे जे अज प्रधानमंत्री फूल साहब हुंदे ते की ये कानून बनदे फिर तुहानू सड़कां ते बैठना पैंदा फिर तुसी कंपनियां खो के ना तुहाडे ते 18 एकड़ दी सीलिंग लगी है तुहाडी जमीनां खोईआं ने ना जिहदे कोल 18 एकड़ तों ज्यादा है सी उस तो जमीन खो के सरकार ने वंडी ते ओ सरकार कर सकती है सरकार ने जिहड़े बैंक सी प्राइवेट बैंक सी इंदिरा गांधी ने सारे सरकार दे अंडर कर ले सी कर सकती है इन्हां दी कंपनियां खो के हुण भी जे तुहाडी सरकार होए या तुहाडे पक्ष की कोई सरकार आ जाए हुण भी कंपनियां खो के जनता दे ना कर सकती है सरकार दे ना कर सकती है जिहड़ा मुनाफा होएगा सारिआं दा होएगा इस करके इस ते विचार करन दी गल है तुसी अपने विचों भी उम्मीदवार खड़े कर सकते हो ते मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी गल नूं लंबी ना करदा है क्योंकि तुसी भी बड़े देर तो बैठे हो कई हजे होर दो तीन बुलारे रहिंदे ने ते मैं इन्नी कु बेनती करांगा कि ये अंदोलन आपां ने आखिरी सांस तक लड़ना है हर पिंड चों घट तो घट 10 बंदे उस बॉर्डर ते हाजरी जरूर रखो ये अंदोलन लड़ना अपनी मजबूरी है नुकसान जिन्ना मर्जी होए तबाही जिनी मर्जी होए जो मर्जी होए लड़ना ही पेगा दूजा सानू थोड़ा जा सख्त रवैया सरकार दे अगे करना पेगा इस तरह सरकार को नहीं मनदी ते तीजा जिहड़ी मैं बेनती आखर दे विच कीती है ये सारी पैरलल पैरलल आपां नूं चलानियां पैणियां ने एक मोर्चे ते जे आपां फेल हुंदे आ दूए मोर्चे ते कामयाब होईए दूए मोर्चे ते फेल हुंदे आ तीजे मोर्चे ते कामयाब होईए आपां सारे पासिओं घेर घूर के इहनां नूं कुट्टीए ते तां जाके कोई हल निकलना है ते तुसीं मैनूं इत्थे आउण दा मौका दित्ता तुहाडे दर्शन करन दा मौका दित्ता तुसीं मेरी गल सुणी सब दा बहुत बहुत धन्नवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।